आप लोगों ने देखा है आशिक मारा गया है, महबूबा तड़प उठी, इसको कहते हैं मोहब्बत, इसको कहते हैं, इसी को कहते हैं मोहब्बत। बर्दाश्त न हुआ और खसम की सिफारिश करने चली आई है वे आशिकी आए वे। जानना चाहिए सुनो मेरी बात, तुम इसके बाद पूछना चाहती हो कि हम इसे क्यों मारते हैं? आपकी क्या स्थिति है, कौन से ऐसी गलती की है? गलती है, है का ससुनी भोली सूरत लेके आई है। सुन मेरी बात को, मुझे मालूम हुआ कुंवर सिंह का अब हाल सारा, सिफारिश करने आई है। अरे इसके हथियार की सिफारिश कर रही है, सिफारिश करने आई है। अरे इसी से इसको चंदन बना है, चांद चेहरे बना है, चांद चेहरे का बना है। अरे तू तो इसकी सितारा है। नहीं स्वामी, हाँ
हम झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। ये देखो आप लोग जरा देखिए, अगर सती अनुसुईया और पार्वती शक्ल ना देख लो, हराम जादी नाक झड़ से काट ली क्या खूब कमला, वाह नाक झड़ से काट ली क्या खूब कमला, वाह हो गया मुशाह मेरा हो गई सत्ता, सात पुरखों तक ना ये दाग खोया जाए, बेहया बेशरम हस्त तक इंसान तेरा नाम लेता हुआ शर्म, क्या तुझे कुंवर मिला बदफेल करने के लिए, पाई कोई दूसरी नहीं जगह क्या तू मन समान समझता हूँ और आपके चरणों की सगन का करके आज भी खबरदार, अगर माँ के नाम को बदनाम किया हालात से जुबान को खींच के कुत्तों को दावत दे दूंगा। माँ का बेटे मेरी बात सुन, देखने को मार बेटे हो दोनों तो माँ बेटे हो, देखने को माँ बेटे हो पर अंतर से साले नंगीने बने, और भेद सारा मुझे आज मालूम हुआ।
कहिए महाराज के कपड़े उतार उतार लिया ना। चले जाए यहां से और सुनो भैया, अगर भैया का अगर मैं पिताजी को वचन न दिया होता तो कसम है इस राज के तुझे जिंदा जला देता। मगर सुन, अगर तुम हमारे पाप के नुक्त बूंद के हो तो तुम इतनी दूर चले जाओ हमारी राज से कि यहाँ की हवा भी तुम्हारा पता न लगा सके। और हाँ, एक खास बात तुम्हारे लिए, अगर तुम हमारी राज में तुम अगर अन्न खाना तो गौ का मांस और अगर जल पीना तो गौ का फूल। चले जाओ भैया, अगर आपने ऐसे संबंध रखा दिया है मैं इतनी दूर चला जाऊंगा कि यहाँ का इंसान क्या, यहाँ की हवा भी हमें पता नहीं लगा। हाँ चले जाओ। लेकिन जाते जाते एक बात आपसे कह करके जाऊंगा। आखिरी चाहे भाई तुम्हारा जो कुछ कहना हो कह दो भैया। अगर इस वक्त यहां आ जाए तो दो घंटे चल के बात करूंगा। चले जाओ दिखाना, वरना तुझे हम यही पर तपना दे। भैया आपसे फिर एक बार मैं यही कहना चाहता हूं, अरे भैया भैया तुम छोला हाथ यहां खड़ी, चलो तुम भी यहां से पूछा चलो निकलो यहां। स्वामी मैं कहां को चले जाऊं? महामंत्री पहली बार
छवाया करो तो शोर बजाओ। अगर मैं इतना समय देखकर इशारा देकर तबाही करो, पर अगर मैं इतना समय लगा देता तो शायद मेरा यहाँ आना भी बेकार हो जाता है। गलती माफ करो। क्या बात है, गलती माफ है। छोटा बोल बड़ी बात बोलो महाराज। आपने अपने भाई को भगा दिया और मैं देखता रहा कुछ नहीं बोला। रही बात जो महारानी की, तो मैं इनके लिए अपना दाना प्रसार करके और भीख मांग रहा हूँ। किस लिए? के महारानी कमला को राजमहलों से ना निकाला जाए। महामंत्री वीर सिंह तुमने आखिर में हम जो सोचते थे वो तुमने नहीं मांगा, और जो मांगना चाहिए और जो नहीं मांगना चाहिए वो मांगा। खैर, तो हमारे राज्य के वफादार मंत्री हो, नमकवार हो, मैं तुम्हारी बात को इनकार नहीं कर सकता। ये राज्य में रह सकती है, परंतु मेरी शर्त है। मुझे आपकी हर एक शर्त मंजूर है। बोली पहली शर्त, आज से ये हमारे आगे नहीं पढ़ सकता। ठीक है, ये तुम्हारे मित्रों के सामने नहीं पड़ेगी। दूसरी शर्त, आज से ना हमारे लिए खाना ला सकती है, ना पानी ला सकती है, और ना हमारे कमरे में आ सकती है। ये भी हमें मंजूर है। तीसरी बात, जिस समय जब जिस रोज कहेंगे कि महल खाली कर दो, महल से खाली करना पड़ेगा। ये तीनों शर्तें हमें मंजूर है। ठीक है, जा सकते हो तुम इसे लेकर। महारानी जी, देखा आप लोगों ने, आप लोगों ने देखा, ऐसा कोई कर सकता है भाई जैसा कुंवर सिंह ने किया? भाई के पीठ पर भाई छुरा भोग सकता है? नहीं भोग सकता। महारानी कमला सीता का हम दर्जा देते थे, सीता का दर्जा। मैं नहीं जानता था यह इतना गिर जाएगी कि एक देवर के साथ शर्म आती है। ऐसा कोई औरत कर सकती है? नहीं कर सकती, ना कोई भाई कर सकता है जैसा कुंवर सिंह ने किया। खैर, इस बात को हम अपने ही दिल में रखेंगे। अगर प्रजा जान पाएगी तो हमारी बहुत बड़ी बदनामी होगी। साथियों, कहिए सरदार जी, ऐसा मैंने जाल बिछाया है जो फांसी खुद जाल में फंस गया। सच कहते हो, कुंवर सिंह जाल में फंस गया, कुंवर सिंह निकल गया। निकल गया, मैंने वादा किया था कुंवर सिंह, यह दुश्मनी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। ये बात तो सच है, लेकिन वह बदला कुंवर सिंह का मुझे मारा और हमारा बदला कुंवर सिंह चुका लिया। अब चलता हूँ नंदा नंदा भाई जी। हाँ, चलो चलते आइए। ठीक है, वो आता ही होगा।
तो मैं बहुत खुश हो गई हूँ।
कौन सी को तुम्हें फंसाना है? तो आप जो कहेंगे वो नंदा करने के लिए तैयार हूं। ऐ नंदा, क्या करना है? ऐसा नहीं जाना, तुम्हें एक भिखारी का भेष बना लो और भंवर सिंह के मकान को चले जाओ। जी हाँ, वहां जाकर के अपना नाम नहीं बताना। सच कहते हो? अपना नाम चंपा था, यानी अपना नाम नंदा की जगह पे चंपा था। हाँ ठीक है। और वहां नौकरानी जब रख लेंगे कमला, जी हाँ, नौकरी करना, फिर धीरे धीरे राजा को अपने कब्जे में कर लेना। राजा जब तुम्हारे कब्जे में हो जाएगा, किसी का पा करके राजपाट उसे सब लिखा लेना। सोला से नंदा, तुम राजपाट लिखा लेना, फौरन उसे धक्का मार के हमारे पास। सोला से, अरे ये तो काम नंदा के पाए हाथ का है। ठीक है, तुम ये हार के लिए परेशान हो, और जब राणा वो राजपाट सब तुम्हारे नाम हो जाएगा, सोला सिंह भंवर सिंह तुम्हारे कब्जे में हो जाएगा, तो ये एक नल का हार क्या है, लाखों नल का हार तुम्हारे गले में आ जाएगा। बहुत अच्छी बात, सोला सिंह ये नंदा आपको सब उसी दिन दिखाएगी जिस दिन राजा भंवर सिंह की राजपाट सब अपने नाम करवा लेते। ऐसी ही उम्मीद है, और जब वो राजपाट धन दौलत सब तुम्हारे नाम होगी, तब उस दिन से वहां का मैं राजा होगा और तुम वहां की रानी होगी। सच कहते हो? सच है। ठीक है, मैं चलता हूँ, ये काम करके बहुत जल्द हमारे पास आना होगा। धीरज रखो सोला सिंह, ये नंदा भंवर सिंह के लिए मकान को जा रही है।